नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल इट्स पॉसिबल पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2020 का यह जो ईयर था, इसको 0 वर्ष घोषित होने के पहले ही आपको आखिरी आखिरी के दिनों में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एमपीपीएससी 2020 का। तो चलिए दोस्तों, हम इसके अंदर बात करते हैं कि एमपीपीएससी 2020 है, इसके बारे में क्या क्या जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन अंदर दिखाई गई है, सारी जानकारी आपको एक्सप्लेन करके इस वीडियो के अंदर बता दी जाएगी। तो दोस्तों, जो आपकी एग्जाम रहेगी, एग्जाम डेट को सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 11 अप्रैल 2021 को आपकी एग्जाम रहेगी। अभी से अगर हम मानकर चलें तो हमारे पास में करीबन 3 साढ़े 3 महीने का ही समय है लगभग। और अगर ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है ये आपको बता दी गई है 10 फरवरी 2021, और 11 जनवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, इसकी जानकारी हम आपको देते हैं आगे। तो यह जो आपकी परीक्षा होगी, इसमें 2 प्रश्न पत्र हमारे होते हैं, एक नॉर्मल जीके का होता है, दूसरा सी सेट का होता है। जो टाइमिंग रहता है हमारे 2 घंटे का रहता है, एक सुबह 10 से 12 बजे का, दूसरा जो रहता है हमारा 2:15 से लेके 4:15 बजे तक का। आगे अगर इसके अंदर हम देखें तो मेन जो डिटेल यहाँ पर बताई गई है कि ऑनलाइन आवेदन जो करने की आपकी तारीख है, यानी कि 11 जनवरी 2021 को दिन में 12 बजे से लेकर 10 फरवरी 2021 को रात्रि 12 बजे तक आपकी जो बीच का समय है, इस बीच के समय आप कभी भी ऑनलाइन फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसके अंदर अगर बात करें संशोधन के, तो कुछ गड़बड़ हो जाती है जिस प्रकार से फोटो वगैरह में आप लोग देखते हैं कि कहीं डेट वगैरह में, नेम वगैरह में कुछ भी अगर कुछ गलती हो जाती है, तो उसको करेक्शन करने के लिए जो बीच का समय है वो रहेगा 12 जनवरी से लेकर आपकी 12 फरवरी तक का। 12 फरवरी तक आप इसके बीच में करेक्शन, अगर गलती हो जाती है तो आप उसको कर लें, जिसका एक नॉर्मली चार्ज रहता है 50 रुपीज का, त्रुटि सुधार आप उससे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर, तो कुछ आरक्षण वगैरह जो प्रोसेस होती है वो तो चलिए हम नीचे टेबल में देखेंगे। अब इसमें अगर हम देखें तो जो विज्ञापन के अंतर्गत जो बात कर रहे हैं, यह कि 11 अप्रैल 2021 को 2 सत्रों में जितने भी मुख्यालय हैं, जितने भी आपके जिले हैं, वहां पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो अगर उसके लिए आपको जो शहर की जानकारी दी जाएगी, यानी 10 दिन पहले, एग्जाम चालू होने के 10 दिन पहले आपको SMS और ईमेल के द्वारा आपका शहर वगैरह बता दिया जाएगा कि शहर में आपकी एग्जाम रहेगी। तो ऑलरेडी जनरल वगैरह जो रहते हैं वो लोग अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने रिजर्वेशन वगैरह कर लें, और जिनका TADA लगता है वो लोग उसके हिसाब से देख लें। अब बात करते हैं कि 6 अप्रैल 2021 से लेकर 10 अप्रैल 2021 रात्रि 12 बजे तक, यानी कि 6 अप्रैल 2021 से अगर 10 अप्रैल 2021 रात्रि 12 बजे तक, और एग्जाम है हमारी 11 अप्रैल को, तो रात को 12 बजे के पहले ही आपको उसके पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रखना पड़ेंगे। एमपी ऑनलाइन से आप डाउनलोड कर सकते हैं, एमपीपीएससी की साइट से कर सकते हैं, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लें। 11 तारीख को उम्मीद ना रखें कि वहां से आपके डाउनलोड होंगे, क्योंकि लिंक काफी प्रॉब्लम भी आती है और बंद कर दी जाती है नॉर्मली। चलिए, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल रहेंगे? तो राज्य सेवा परीक्षा 2020 की अगर हम बात करें, तो जितने भी स्नातक उत्तीर्ण लोग हैं, यानी जिनका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, या जो भी ग्रेजुएशन के अंतिम ईयर में, यानी फाइनल ईयर में स्टडी कर रहे हैं, वो लोग इस फॉर्म को भरने के लिए पात्र रहेंगे। रोजगार कार्यालय का पंजीयन, पहले की आपको वीडियो में बता चुके थे कि रोजगार आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, रोजगार पंजीयन। तो मध्य प्रदेश में जो आपका रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन आपको रखना पड़ेगा, 3 साल तक आपका वैलिड रहता है। पिछली बार आपने कराया वो तो दिक्कत की बात नहीं है, पर आप उसको चेक जरूर कर लें कि आपकी उसकी वैलिडिटी कब तक है, आपको उसको रिन्यू कराना रहता है। चलिए आगे, अगर इसके अंदर अगर हम देखें तो मेन बात आती है पोस्ट की। तो पोस्ट में अगर हम टोटल इसमें देखें तो 235 पोस्ट के लिए यह वैकेंसी आई है, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो कौन कौन सी पोस्ट है। राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिला अध्यक्ष गृह पुलिस विभाग, यह जो आपकी है, इसके अंदर टोटल वैकेंसी आई है दोस्तों आपकी 27 की, जिसके लिए आपकी अनरिजर्व की 8, SC में 4, ST में 5, OBC में 7, EWS की आपकी 3। ठीक है, अब अगर हम इसके अंदर देखें जो दूसरी वाली होती है आपकी राज्य पुलिस सेवा उप पुलिस अधीक्षक GD के अंदर, उसके अंदर जनरल की 4 पोस्ट है, 2 पोस्ट SC की है, 2 ST की है, 3 OBC, 1 EWS की, टोटल मिलाकर है आपके इसके अंदर 13 पोस्ट। जिला सेनानी, अगर इसके अंदर अगर हम देखें तो जिला सेनानी में जो है मात्र 1 पोस्ट है, वो है OBC कैटेगरी के अंतर्गत। ठीक, अब आगे चलते हैं इसके अंदर, तो सहायक संचालक जनसंपर्क और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत अगर आप इस वैकेंसी की बात करें, तो यहाँ पर भी 1 OBC की सीट आई है और 1 सीट है यहाँ पर टोटल। सहायक संचालिका की अगर हम बात करें, टोटल अनरिजर्व की 10 है, 7 SC की, 8 ST की, OBC की 11 और EWS की 4, टोटल मिलाकर 40 पोस्ट। इसकी अगर बात करें सहायक आयुक्त, सहकारिता सहायक, पंजीयक और सहकारी संस्था
की, तो इसके अंदर टोटल मिलाकर जो आपकी वैकेंसी आई है वो 6 है, जिसके अंदर 2 जनरल की, 1 एससी की, एसटी में एक भी नहीं है, ओबीसी की 2 और 1 ईडब्ल्यूएस की। अधीक्षक जिला जेल, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक पोस्ट आपको देखने को मिलेगी एससी की, 2 पोस्ट मिलेगी आपको ओबीसी की, और टोटल मिलाकर यहाँ पर 3 पोस्ट के लिए हमें आपकी वैकेंसी है। नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार का काफी सालों से इंतजार रहता है कि अच्छी अच्छी पोस्ट आएगी नायब तहसीलदार में, लेकिन इस बार आप देखेंगे तो अनरिजर्व के लिए 10, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 8, ओबीसी के लिए 10 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4। बाकी और सीटों को मिलाकर टोटल सीट आप देखेंगे तो 38 सीटों के लिए आई है नायब तहसीलदार की, एक अच्छी पोस्ट होती है। सहकारिता निरीक्षक, सहकार विस्तार अधिकारी, पृथ्वी विभाग में आप देखेंगे 6 जनरल की है, 3 एससी की है, 3 एसटी की है, 5 ओबीसी की, 1 ईडब्ल्यूएस की, टोटल मिलाकर आपको 18 पोस्ट पर वैकेंसी आई है। और मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पोस्ट इसी में देखने को मिल रही है, 21 है जनरल के अंदर, 3 है आपकी एससी के अंदर, एसटी के अंदर 22 पोस्ट है आपकी, ओबीसी में 33 और ईडब्ल्यूएस में 9 पोस्ट, टोटल मिलाकर है आपकी 88 पोस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि सारी गणना करने के बाद 235 पोस्ट के लिए इस बार की वैकेंसी आई है, और आपको तो पता है हर बार पीएससी के अकॉर्डिंग पद ऊपर नीचे होते रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर, तो यह जो आपके जिले हैं टोटल मिलाकर यहाँ पर जानकारी दी गई है आपकी 45 जिलों की, 45 जिलों के अंतर्गत सॉरी 52 जिलों तक आपको पूरी जानकारी दी गई है कि आप सारे जिलों के अंदर आपका सेंटर ले सकते हैं, और सेंटर लेने के लिए आपको पता है कि क्या क्या कंडीशन रहती है जो पिछली बार थे वही है। आप आवेदन करेंगे तो वर्तमान पता जो है आपको उसको उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। परीक्षा शहर ऑटोमेटिक आपका इस प्रकार से अगर अपन भरेंगे तो प्रथम आवंटन आपको करना पड़ेगा जो आपका वर्तमान पता है उसका जिला। ठीक है, दूसरा आपको करना है कि आपके जिले का संभाग क्या लगता है, तीसरा आपको करना है कि जो स्थायी पते का जिला होगा आपका, और चौथा आवंटन करना है स्थायी पते का संभाग मुख्यालय। जैसे सपोज कर लिए, आप मान लीजिए कि आप कहीं रीवा सतना एरिया में रहते हैं और आप अगर इंदौर में आगे स्टडी वगैरह कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका फिर वर्तमान पता, वर्तमान पते के अकॉर्डिंग फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका जो तृतीय आवंटन रहेगा यहाँ पे आपका जो स्थायी पता रहेगा अगर रीवा सतना एरिया में आपका आता है सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, जिसके बारे में आपको बता दिया है कि किसी भी उपाधि धारक जो भी स्नातक जिसने कर रखा होगा वो लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। चलिए गैर वर्दी तारीख, जो गैर वर्दीधारी जो पद होते हैं उसके लिए अगर हम बात करें तो टोटल जो एज वगैरह दिखाई गई वो बताइए, 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, यानी कि मिनिमम 21 साल और 40 साल इसके अंदर मैक्सिमम, गैर वर्दीधारी पदों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो वर्दीधारी पद हैं उसके लिए मिनिमम एज है आपकी 21 वर्ष और मैक्सिमम रहेगी 33। और इसको अगर आप आरक्षण वगैरह की प्रणाली से देखें तो एस टी एस सी वाले जो रहते हैं उनके लिए 5 साल को और इसके अंदर जोड़ दें तो 38 साल हो जाएगी उसके लिए। आगे अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो एज रहती है इसमें जॉब की आपकी वो रहेगी 62 साल, 62 साल के बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। शारीरिक मापदंड की अगर हम बात करें तो पुरुष के लिए जो लंबाई रहेगी वो 168 सेंटीमीटर रहेगी, सीना अगर हम बात करें बगैर फुलाए तो वह रहेगा आपका 84 और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद एक्सटेंड जो रहते हैं हमेशा के लोग वही हैं। महिलाओं के लिए हाइट का जो प्रावधान है वो 155 का है। आगे अगर इसके अंदर देखें तो आरक्षण वगैरह की प्रणाली तो हमें पता है कि 5 जो होता है 5 साल का वो सब आरक्षण वगैरह दिया जाता है। अब आरक्षण सीमा की अगर आप बात करें तो यहाँ पर इस प्रकार जानकारी आपको बताई भाई दी गई है कि अधिकतम 5 वर्ष की आपको छूट रहेगी यहाँ पर। ठीक है, गैर वर्दीधारी पदों की बात करें तो 45 साल तक इसके लिए एलिजिबल होते हैं फॉर्म भरने के लिए, और वर्दीधारी पदों में अगर हम देखें तो इसमें भी 5 साल की आपको छूट रहेगी टोटल मिलाकर 38 साल के लिए। किन किन को रहेगी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुष और महिला आवेदक दोनों को, अन्य पिछड़ा वर्ग के भी महिला पुरुष आवेदक, शासकीय निगम वगैरह में जो आते हैं, मंडल में आते हैं, स्वशासी संस्था में आते हैं, कर्मचारियों, नगर सैनिक जिसमें आते हैं, उन सबको 5 साल की छूट प्रदान की जाएगी। प्रोत्साहन वगैरह जो होते हैं जिस प्रकार अंतर जाति विवाह और जो विक्रम पुरस्कार वगैरह रहते हैं उन सबकी छूट अगर आप इसमें आते हैं तो देख लीजिए, बहुत इजीली आपको बताएगा नोटिफिकेशन के अंतर्गत। और बात करते हैं मेन की, यह फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई किया जाएगा, तो आप एमपी ऑनलाइन में जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एमपीपीएससी की साइट से भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें 11 जनवरी से आपके फॉर्म की डेट स्टार्ट हो जाएगी, तो कैसे भी कर कर आप बहुत जल्दी फॉर्म को भरें, ताकि क्या होता है कि लास्ट टाइम के पे काफी रश हो जाता है जिस कारण साइट वगैरह में बहुत प्रॉब्लम आती है, कुछ करेक्शन होते हैं हमें पता नहीं चलते हैं, तो बिल्कुल
फ्री टाइम पर आराम से आप चाहें, और स्टार्टिंग में इतनी भीड़ नहीं रहती, अगर एमपीओ ऑनलाइन से आप लोग भरते हैं तो इजीली वहां से आप लोग अप्लाई करें। बाकी मेरी राय है कि आप बनती कोशिश खुद ही भरें, लैपटॉप वगैरह का यूज कर कर कंप्यूटर वगैरह पे काफी इजीली आपका फॉर्म हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोटो की बात करें तो उसके लिए जो साइज होगा मिनिमम 25 KB से लेकर 200 KB के बीच का होगा, ठीक है। उसके ऊपर आपको पूरा प्रोफॉर्मा दिया गया होगा, किस प्रकार का आपको पासपोर्ट फोटो वगैरह आपको लगाना है। फोटो वगैरह जो डिटेल होती है वही जो हमेशा अपनी होती है कि भाई फोटो खिंचाते समय आपको सामने देखना है, आपके दोनों कान सीधे दिखने चाहिए, टॉपी हेड वगैरह आपको यूज नहीं करना है, सेल्फी वाले फोटो आपको यूज नहीं करना है, बैकग्राउंड आपको बिल्कुल ज्यादा कुछ सा ग्रीनरी व्रीनरी पत्ते वत्ते वाला तो लगाना नहीं है, सिंपली एक कलर होना चाहिए और बनती कोशिश आप व्हाइट बैकग्राउंड को यूज करें। चलिए अब आगे और उसमें देखते हैं, मेन बात आती है फीस की। तो फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं है, ये काफी अच्छी बात है, मैंने पिछली बार काफी ऑब्जेक्शन हुए थे फीस के ऊपर। तो मूल निवासी जो होते हैं मध्य प्रदेश के, उसमें एससी वाले, एसटी वाले, ओबीसी वाले और दिव्यांग जिनके जो आवेदन है उनके लिए 250 रुपये का शुल्क रखा गया है, 500 रुपये का शुल्क रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए, और पोर्टल का जो चार्ज लगता है हमारा वो 40 रुपये लगता है, आपको पता है, ठीक है। अब क्या एग्जाम के बाद में कुछ लोग होते हैं कि अपनी मार्कशीट को वगैरह वो डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 50 रुपये की फीस भरना होगी, तो आपको फॉर्म भरते समय ही आपको उस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों यह जो जानकारी थी, यह थी एमपीपीएससी जो 2020 का भी नोटिफिकेशन आया उसके लिए काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। और मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं इस बात को कि जो अंतिम तारीख है वो तो है आपकी 10 फरवरी, लेकिन 11 जनवरी से हमारे फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 11 जनवरी 2021 को। तो बिल्कुल समय बर्बाद ना करें, पहले ही आपके फॉर्म अप्लाई कर लें, आप आखिरी तारीख का वेट ना करें, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से बने रहें, तैयारी करते रहें, और जो भी नोटिफिकेशन आपका आएंगे उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।